हेलो, लाइव ओके सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर, मुझे लिंक भेज दीजिए। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आ जाइए सभी लोग, फटाफट से ज्वाइन कर लेते हैं। और आज हम अपनी बायोलॉजी के साथ स्टार्ट करते हैं। हेलो जय, हेलो विशाल। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज शेयर दिस सेशन इन योर ग्रुप्स। हेलो रवि, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज शेयर दिस सेशन इन योर ग्रुप्स सो दैट वी कैन स्टार्ट। ऑल राइट क्लास, गुड मॉर्निंग। यस, फीस के लिए क्लास प्लीज आप कांटेक्ट कीजिए। कमेंट में आपको नंबर हमने प्रोवाइड कर दिया है। फॉर द फी प्लीज कांटेक्ट एंड डाउनलोड द मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट ऐप। प्लीज डाउनलोड मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट ऐप। फॉर फीस प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर। नंबर इज गिवन टू यू इन द चैट बॉक्स। बच्चे, कराऊंगी लाइट वाले चैप्टर का। तनु, लाइट वाले चैप्टर का करवाऊंगी। एक्चुअली हम जो आपके लिए प्लान किए हैं वो इस तरीके से किए हैं, मंडे एंड ट्यूसडे वी विल गो विद बायोलॉजी। वेडनेसडे थर्सडे वी विल गो विद केमिस्ट्री एंड ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे आई विल टेक योर फिजिक्स। ऑलराइट क्लास, आज मैं लाइव प्रोसेस करवाऊंगी बच्चे। दिल्ली पॉलिटेक्निक की फीस के लिए आप लोगों को चैट बॉक्स में नंबर गिवन है, प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन दैट नंबर। ऑल राइट, चलिए आज का हमारा सेशन है लाइव प्रोसेसेस का, ठीक है, जो कि आपका बायोलॉजी का टॉपिक है। ठीक है, इसके अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चंस आज कवर करने वाले हैं। विल टेल यू अबाउट द एप्लीकेशन करेक्शन डेट। ऑल राइट, चलिएगा आज मैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रही हूं। स्टार्ट करते हैं। द मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज। जो मैट्रिक्स होता है क्लोरोप्लास्ट का, मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है बच्चे? द लिक्विड, ठीक है, लिक्विड प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ओके, द मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज। बताइए जी, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। द मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज। यस क्लास, द मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज। क्लोरोप्लास्ट की मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स क्या होता है आप लोगों को मैंने बता दिया। क्या बताया मैंने आपको? लिक्विड प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज मैट्रिक्स। सो
सो इसका करेक्ट आंसर है बच्चे, ऑल राइट, करेक्ट आंसर आते हुए यहां पर, गुड नेहा, रजनी, ऑल राइट. सो द करेक्ट आंसर इज स्ट्रोमा. द करेक्ट आंसर इज स्ट्रोमा. सो द मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स को अपन लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं. क्लोरोप्लास्ट क्या होता है बच्चे, क्लोरोप्लास्ट होता है ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट ऑफ प्लांट्स. ठीक है, प्लांट्स का ग्रीन पिगमेंट जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, किसके लिए, रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस. ये फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि फोटोसिंथेसिस की साइट फॉर फोटोसिंथेसिस क्या है. सो द साइट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स इज क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में होता है. ठीक है, एम आई क्लियर क्लास. सो द करेक्ट आंसर इज वॉट, द करेक्ट आंसर इज स्ट्रोमा. क्लियर है, क्लियर है क्लास. नेक्स्ट, द ग्रीन कलर ऑफ प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, जो ग्रीन कलर है प्लांट का वो किसकी प्रेजेंस की वजह से है, क्लोरोफिल, कैरोटीन, ज़ेंथोफिल या स्टार्च. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस की वजह से है ग्रीन कलर प्लांट्स का. गुड गुड गुड, वेरी गुड. यस, करेक्ट आंसर आते हुए यहां पर. सो द करेक्ट आंसर इज क्लोरोफिल. ठीक है, ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. ठीक है, क्लोरोफिल में क्या होता है आप लोगों के पास, क्लोरोप्लास्ट होता है बच्चे. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, ग्रीन पिगमेंट है. ठीक है, जिसकी वजह से ग्रीन कलर आता है. कैरोटीन की वजह से, कैरोटीन की वजह से कौन सा कलर आता है, रेड एंड येलो कलर, सॉरी रेड एंड ऑरेंज कलर, नॉट येलो, रेड एंड ऑरेंज कलर. ठीक है, रेड और ऑरेंज कलर कैरोटीन. ठीक है, क्लियर है बात. कैरेटिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, किसी एक नेचुरल सब्सटेंस का नाम बताइए जिसके अंदर, मतलब ऐसी चीज जो आप खाते हो, कमेंट में फटाफट बताइए, ऐसी चीज जो खाते हो जिसके अंदर कैरेटिन प्रेजेंट होता है. यस, वेरी गुड क्लास. यस क्लास, बताइए. द सब्सटेंस, एनी एडिबल सब्सटेंस जिसके अंदर कैरोटीन प्रेजेंट होता है, आप लोगों को मालूम हो, एनी एडिबल सब्सटेंस जिसके अंदर कैरोटीन प्रेजेंट हो, मशरूम. ओ, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट कंटेन रेड एंड ऑरेंज कलर. एप्पल, नो. ओके, कैरेट क्या कलर होता है, कैरेट का रेड एंड ऑरेंज बोथ कलर में मिलती है आपको कैरेट. ठीक है, सो कैरेट कंटेन व्हाट, कैरेटीन. सेकंड, टोमेटो, उसके बिना कोई सब्जी नहीं बनती. क्लियर है आप सभी को, गुड गुड गुड, वेरी गुड. सो कैरेट और टमाटो दो एग्जाम्पल्स तो हैं आपके पास. लिटिल बिट ऑफ कैरेटीन इज प्रेजेंट इन काउ मिल्क. ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन काउ मिल्क. सो उसमें कैरेटीन आपको ऑप्शन में दिया जाएगा. ठीक है, सो लिटिल बिट ऑफ कैरेटीन इज प्रेजेंट इन काउ मिल्क. ठीक है, सो क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन काउ मिल्क. सो आपको सब कुछ दे दिया जाएगा, क्लोरोफिल, कैरेटीन, ज़ेंथोफिल, स्टार्च. ठीक है, तो उसके अंदर आपको आंसर क्या देना होगा उस टाइम पे, कैरेटिन. क्या आंसर देना होगा बच्चों, कैरेटिन. क्लियर है आप सभी को, चलिएगा नेक्स्ट.
Question number 3. The word sepro means. The word sepro means. Sepro का क्या मतलब है? Sepro का मतलब क्या है? The word sepro means. Sepro का क्या मतलब है? All right, class. The word sepro means. Sepro का क्या मतलब है? Cell sap, dead, other या rotten. Any other answers? देखिएगा बच्चे, सेप्रो का मतलब है यहां पे सेप्रोफाइट्स. सो सेप्रोफाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सड़ी गली चीजों पे डिपेंडेंट होते हैं. यस, ठीक है. रोटन मतलब डेड एंड डिके, डेड एंड डिकेइंग मैटर. सो सेप्रोफाइट्स आर ऑर्गेनिजम्स हु आर डिपेंडेंट ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर. एम आई क्लियर? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी क्लास. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. All right, next question. The visible part of electromagnetic spectrum lies in between. जो visible part होता है electromagnetic spectrum का, वो किसके बीच में lie करता है? X-ray and ultraviolet ray and infrared ray. Infrared ray और microwave ray, gamma ray और X-ray. बच्चे मैं एक्सप्लेनेशन हिंदी में ही देती हूं. इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम. और आज से एट द एंड ऑफ दिस सेशन मैं सबका स्कोर भी पूछूंगी, राइट? जो जो यहां पर आंसर करेगा सबका स्कोर भी पूछेंगे हम आज से. चलिएगा, जल्दी जल्दी करते हैं. द विजिबल पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लाइज इन बिटवीन. यस, ओके, करेक्ट आंसर आते हुए यहां पर. गुड, ऑलराइट. सो क्लास, द विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड. इट्स ऑप्शन बी, दैट इज अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड रे. यस, बिल्कुल करेक्ट. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. एम आई क्लियर? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड क्लास, गुड. आई थिंक सबको आता है ये क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट. होलोजोइक न्यूट्रिशन अकर्स इन. होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है वो किसके अंदर होता है बेटे? अमीबा में होता है, प्लास्मोडियम में होता है, बैक्टीरिया में होता है या राउंड वॉर्म्स में होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. और इसके बाद मैं आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछने वाली हूँ. गैस, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसके अंदर होता है? अमीबा में, प्लास्मोडियम में, बैक्टीरिया में या राउंड वॉर्म में? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है? जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने एक पार्ट से स्वॉलो करता है और दूसरे पार्ट से फूड को, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको बाहर निकालता है. ना 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 ना, नॉट इन प्लास्मोडियम. प्लीज करेक्ट योर इंफॉर्मेशन क्लास. वेरी गुड तनु. द करेक्ट आंसर इज अमीबा. द करेक्ट आंसर इज अमीबा. अमीबा क्या करता है? सूडोपोडिया. किससे?
सूडोपोडिया से क्या करता है, सक करता है अपना फूड। सूडोपोडिया क्या होता है, अमीबा की आप लोगों को सबको मालूम है कि कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, एमीबिक एमोबोइक सेल का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है, स्ट्रक्चरलेस या शेपलेस कह सकते हो आप उसको, ठीक है। लेकिन ये अपने न्यूट्रिशन के लिए क्या करता है, अपने अंदर एक हॉलो स्पेस बनाता है और फिर जो भी उसको फूड बाहर दिखाई देता है उसको इनसाइड सक कर लेता है या खींच लेता है अंदर, ठीक है। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स भी यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम लोग भी खाने को मुंह से अंदर, मतलब मुंह से अपनी बॉडी में डालते हैं, राइट। तो यहां पर भी एग्जैक्टली क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, फूड को, फूड पार्टिकल को अपनी बॉडी के अंदर सक कर रहा है, ठीक है। सो इसके अंदर क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो किया इसने, होलोजोइक, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग, सो द करेक्ट आंसर इज अमीबा, प्लीज माइंड माई वर्ड्स, द करेक्ट आंसर इज अमीबा, क्लियर है क्लास, यस, द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑलराइट क्लास। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनसेशन पॉइंट अकर्स व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज हाई, ड्यूरिंग डार्क, ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग आवर्स और ड्यूरिंग मिड डे। बच्चे ये क्वेश्चन इसलिए यहाँ पर है क्योंकि न्यूट्रिशन, इन द न्यूट्रिशन, प्लांट न्यूट्रिशन में किसका यूज होता है, प्लांट न्यूट्रिशन के लिए लाइट का यूज करते हैं, दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन यहाँ पर है आप लोगों के पास, ठीक है। चलिए चलिए बताइए, कंपनसेशन पॉइंट कब होता है, व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज हाई, जब लाइट की इंटेंसिटी जो होती है वो बहुत हाई होती है, ठीक है, ड्यूरिंग डार्क, ठीक है, जब अंधेरा होता है यानी कि रात के समय बोल रहे हैं वो यहाँ पर, ठीक है, ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग आवर्स, सुबह के समय में या और शाम के समय में, और ऑप्शन डी दैट इज ड्यूरिंग मिड डे। चलिए जी बताइए, क्वेश्चन नंबर 6, कंपनसेशन पॉइंट कब आता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, कंपनसेशन पॉइंट अकर्स, ओके आंसर्स आते हुए, कृष्णा कुमार डोली, वेरी गुड, यस कृष्णा कुमार डोली, वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज, गुड सर्वेश, गुड, द करेक्ट आंसर इज ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग आवर्स, ठीक है, जब सुबह का समय होता है और जब शाम का समय होता है, एट दैट टाइम जो कंपनसेशन होता है, कंपनसेशन पॉइंट जो है उस टाइम पे हमें मिलता है, एम आई क्लियर क्लास, यस बिल्कुल सही आशीष, गुड, वेरी गुड क्लास, यस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, All right, very good. Question number 7. During light reaction, the photosynthesis synthetic pigment absorb light in the form of electron, proton, neutron, or photons. Very good question again. देखिए आप सभी को मालूम है जब फोटोसिंथेसिस होती है तो दो तरीके के रिएक्शन होते हैं, ठीक है, ये है आपका लीफ, सपोज कीजिए ये मेरा हैंड जो है, आई थिंक ये आप लोगों को दिख रहा होगा यहां पर, ये एक पत्ती है या लीफ है, ये जो अपर पार्ट है, ये अपर पार्ट और ये क्या हो गया इसका बैक पार्ट, जहां पे लाइट नहीं आ रही है, इस वाले पार्ट में लाइट आ रही है और इस वाले पार्ट में आपके लाइट नहीं आ रही है, ठीक है, पत्ती ऐसे ही होती है पड़ी हुई सूरज के सामने, तो इस वाले पार्ट में तो आपके लाइट आ रही है और इधर पीछे वाले पार्ट में आपके लाइट नहीं आ रही है, ठीक है। तो जहां पे लाइट पड़ रही है, सन की जो लाइट पड़ रही है, सन की रेज आ रही है जिस पार्ट में, ठीक है, वहां पर होता है लाइट रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन होता है बच्चों, लाइट रिएक्शन, ठीक है, और जो पीछे वाला पार्ट होता है वहां पर होता है बच्चे आपका डार्क रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पर होता है डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन जो होता है ना, जो लाइट रिएक्शन होता है वो हमेशा ग्रेना पार्ट में होता है, किस में होता है, ग्रेना पार्ट, ठीक है,
किसके क्लोरोफिल के ग्रेना पार्ट में होता है, और जो डार्क रिएक्शन होता है ना बच्चों, डार्क रिएक्शन हमेशा स्ट्रोमा पार्ट में होता है। कौन से पार्ट में होता है? स्ट्रोमा पार्ट ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है, इस बात को बहुत ध्यान रखना, ठीक है। लाइट रिएक्शन अकर्स इन ग्रेना पार्ट एंड द डार्क रिएक्शन अकर्स इन स्ट्रोमा पार्ट, ठीक है। तो जब भी लाइट रिएक्शन हो रहा होता है ना, तो जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट है, वो क्या करता है, वो लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और उसमें से क्या चीज एब्जॉर्ब करता है, वो फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करता है। वेरी गुड क्लास, सभी के करेक्ट आंसर आते हुए यहाँ पर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, वेरी गुड। एट दैट टाइम फोटॉन्स आर एब्जॉर्ब्ड, वेरी गुड क्लास, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, वेरी नाइस। Alright, next. The chlorophyll absorb mostly, जो क्लोरोफिल है वो मोस्टली किस कलर के अंदर, मतलब जो सॉरी द क्लोरोफिल एब्जॉर्ब मोस्टली ब्लू एंड ग्रीन लाइट, ब्लू और ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ब्लू एंड रेड लाइट, सी ग्रीन एंड रेड लाइट, या ओनली ग्रीन लाइट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। द क्लोरोफिल एब्जॉर्ब मोस्टली ब्लू एंड ग्रीन लाइट, ब्लू एंड रेड लाइट, ग्रीन एंड रेड लाइट एंड ग्रीन लाइट। यस यस क्लास, यस। क्वेश्चन नंबर एट, द क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स मोस्टली, द क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स मोस्टली। ऑल राइट, क्वेश्चंस के आंसर्स आते हुए यहां पर, डी वाई डी डी डी, ओके, बी मृदुल, वेरी गुड मृदुल सैनी, वेरी गुड, वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज ब्लू एंड रेड लाइट। बच्चे ये बात बहुत ध्यान रखना, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्या होता है बच्चे, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के पास ऑलरेडी ग्रीन कलर है, तो लाइट जो है वो केवल जो लाइट का जो कौन से लाइट में कौन से कलर होते हैं पहले तो ये बताओ, विबग्योर, ठीक है। तो ये लाइट के जो है ना ब्लू और रेड कलर ही एब्जॉर्ब कर पाते हैं, ठीक है। कौन सा मोस्टली जो है, मतलब कलर्स तो सारे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मगर ब्लू और रेड कलर जो है वो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, क्लियर है बात। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, गुड। Those are with option B, they are very absolutely correct, huh? Absolutely correct. Those who goes with option B. All right, next. Low temperature has an inhibitory effect on the rate of photosynthesis because the activity of enzyme is increased. जो एक्टिविटी होती है एंजाइम की वो इंक्रीज हो जाती है, द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज डिक्रीज, जो एक्टिविटी होती है एंजाइम की वो डिक्रीज हो जाती है, क्लोरोफिल फेल्स टू एब्जॉर्ब लाइट, क्लोरोफिल जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, प्लांट फेल्स टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, जो प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने में फेल हो जाता है। चलिए, जब लो टेम्परेचर होता है तो एक इनहिबिटरी इफेक्ट आता है ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, बताइए जी। एंजाइम्स क्या होते हैं, व्हाट आर एंजाइम्स, अगला क्वेश्चन है सबके लिए, पहले तो हम इसका आंसर ढूंढेंगे, फिर उसके बाद मुझे सब लोग आप बताओगे व्हाट आर एंजाइम्स, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर एंजाइम्स, चलिएगा। यस, low temperature has an inhibitory effect on the rate of photosynthesis because, all right, good good class, all right class, so the correct answer is the activity of the enzyme is decreased at that time, तो इस वजह से जो इस तरह के जो लो टेम्परेचर होता है उसके अंदर क्या होता है, एक इनहिबिटरी, इनहिबिशन मतलब रोकना, फोटोसिंथेसिस को क्या करना, रोकना, इनहिबिटरी मतलब इनहिबिशन यानी कि किसी भी चीज को स्टॉप करना, टू स्टॉप, ठीक है। तो क्या होता है, एट दैट टाइम जो एक्टिविटी होती है एंजाइम की वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। एंड व्हाट आर एंजाइम्स,
Now please class, please tell me what are enzymes? Enzymes क्या होते हैं? Yes. What are enzymes? Good. चलिएगा फटाफट कमेंट में बताइए what are enzymes. I am waiting. ओके एक सिंपल से वर्ड में बताऊंगी मैं, बहुत लंबी लंबी डेफिनेशंस दे दी गई है यहाँ पर, बट एक सिंपल से वर्ड्स में बताऊंगी मैं, बहुत सिंपल वर्ड में बताऊंगी. दे आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट आर द एलिमेंट्स और यू कैन से कंपाउंड्स, ठीक है, जो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप या स्पीड डाउन करते हैं. तो ऐसे ही जब आपकी बॉडी में या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में किसी भी मतलब रिएक्शन को या मेटाबॉलिक प्रोसेस को स्पीड अप या स्पीड डाउन, स्लो डाउन करना होता है, तो एट दैट टाइम जो एलिमेंट्स या जो सब्सटेंसेस या जो कंपाउंड्स यूज होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन लोग? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट यानी कि एंजाइम्स बोलते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं उनको? एंजाइम्स. तो एक ही वर्ड याद रखिएगा, सिंपली बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. ठीक है, क्या होते हैं ये? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं. यस दे आर माइक्रो, नो 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 नो, they are not microorganisms. बच्चे enzymes are not microorganisms. yes good. all right next, the process of obtaining food by amoeba is वो प्रोसेस जिसके थ्रू अमीबा जो है वो अपना फूड ऑब्टेन करता है. सूडोपोडिया, फूड वैक्यूल, साइटोप्लाज्मोसिस और फेगोसाइटोसिस. जल्दी बताइए उस प्रोसेस का. बच्चे मैं कल ही डलवा दूंगी क्वेश्चंस की पीडीएफ टेलीग्राम पे, कल ही डलवा दूंगी. अगेन आई एम गोइंग टू अनाउंस वन थिंग, we have a telegram channel. we have a telegram channel, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है. ठीक है, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए. उस टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ एंड अदर क्वेश्चंस आई विल प्रोवाइड यू. क्लियर है क्लास? मोर ओवर इफ यू लाइक आवर सेशन, इफ यू लाइक दिस क्लास, please do subscribe our channel. and कुछ लोग अभी यहाँ पर मुझसे पूछ रहे थे कि फीस क्या है मैम, तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास एक नंबर है अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं. ठीक है, तो जाइए वहां पर, उस नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए. ठीक है, सो दैट इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन द क्लास तो आप लोगों को वहां पे पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी क्लासेस की. अगेन आई एम टेलिंग यू, प्लीज डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन. एंड इफ यू लाइक आवर सेशन डू सब्सक्राइब. ऑल राइट, चलिएगा मैं आप क्वेश्चन के ऊपर दोबारा मूव करती हूं. ओके ओके, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज फेगोसाइटोसिस. यहां पे सबके गलत आंसर आते हुए. ठीक है, द प्रोसेस नेम इज फेगोसाइटोसिस, द पार्ट थ्रू विच इट ऑब्टेन्स इट्स फूड इज सूडोपोडिया. एम आई क्लियर क्लास? वो पार्ट जिसके थ्रू अमीबा अपना फूड ऑब्टेन करता है उस पार्ट को सूडोपोडिया कहते हैं, बट जो प्रोसेस का नाम है उस प्रोसेस का नाम है फेगोसाइटोसिस. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 10, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. क्लियर है क्लास? एम आई क्लियर? यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. ऑलराइट क्लास,
The excretory organ of grasshopper are called, grasshopper का excretory organ जो होता है उसको क्या कहते हैं हम, malpighian tubule, hepatic कैसा कैका, ठीक है, क्रॉप और गिजार्ड। हाँ जी बच्चे, एनसीईआरटी से आएंगे सब, जो एनसीईआरटी में गिवन है आपकी, एनसीईआरटी जो बुक्स हैं आपकी उसमें जो भी गिवन है वो सभी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, वो सभी क्वेश्चंस आएंगे, उन सभी मतलब उस उन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और मोर ओवर जो आपके डू यू नो वाले कॉलम्स होते हैं ना, उन कॉलम से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं बच्चे, ठीक है, चलिएगा। द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ग्रास ओपर आर कॉल्ड, ग्रास ओपर के एक्सक्रीटरी ऑर्गन को क्या कहते हैं? वेरी नाइस, बिल्कुल करेक्ट आंसर आते हुए यहां पर। सो द करेक्ट आंसर इज मेल्फिगियन ट्यूब्यूल, ठीक है, ग्रास ओपर के एक्सक्रीटरी ऑर्गन को मेल्फिगियन ट्यूब्यूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेल्फिगियन ट्यूब्यूल कहा जाता है क्लास। सो क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बच्चे बुक का पोर्शन आएगा, बुक का पोर्शन। हां जी, कल भी लाइव प्रोसेस ही करवाऊंगी मैं, कल भी लाइव प्रोसेस ही करवाऊंगी मैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन्वॉल्व्स, एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस प्रोसेस के अंदर होता है, ठीक है, इन्वॉल्व इस तरीके से क्वेश्चन को समझिएगा। ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, इम्बिशन, सक्शन प्रेशर। यस क्लास, एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन्वॉल्व इन ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, इनबिशन और सक्शन प्रेशर। एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन्वॉल्व ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, इनबिशन और सक्शन प्रेशर। यस, वेरी गुड, वेरी नाइस क्लास, द करेक्ट आंसर इज डिफ्यूजन। ऑल राइट, द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन्वॉल्व डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ठीक है। अच्छा, ऑस्मोसिस में क्या होता है? इन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस exchange of water from higher concentration to lower concentration. higher concentration का मतलब क्या है? higher concentration जहां पर कोई चीज ज्यादा है वहां से lower concentration, यानी कि जहां पर वो चीज कम है उसके अंदर move करना। suppose कीजिए एक cell है, cell के बाहर बहुत सारा पानी है, ठीक है, सेल के बाहर क्या है आपका? बहुत सारा पानी है, ठीक है, बट वही अगर मैं सेल के अंदर बात करूं तो सेल के अंदर पानी जो है वो कम है। जब पानी बाहर से अंदर मूव करेगा, क्योंकि कम है अंदर इसलिए बाहर से अंदर मूव करेगा, ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग? ऑस्मोसिस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वॉटर क्या हो रहा है? वॉटर जो है वो बाहर से अंदर जा रहा है, ठीक है, क्या चीज हो रहा है? बाहर से अंदर क्या जा रहा है बच्चे? वॉटर जा रहा है, ठीक है। सो द प्रोसेस इन विच exchange of water takes place from the higher concentration to the lower concentration is known as osmosis, and similar with the gases, the process in which exchange of gases takes place from the higher concentration to the lower concentration is known as diffusion. Am I clear, class?
चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. द लंग्स आर कवर्ड बाय टू थिन मेम्ब्रेन्स. बहुत अच्छा क्वेश्चन. द लंग्स आर कवर्ड बाय टू थिन मेम्ब्रेन्स कॉल्ड वेंटिलेटर, एल्वियोली, थोराकिक कैविटी और यू कैन से प्लूरा. यस, द लंग्स आर कवर्ड बाय टू थिन मेम्ब्रेन्स कॉल्ड वेंटिलेटर, एल्वियोली, थोराकिक कैविटी और प्लूरा. जल्दी बताइए जी. चलिए बताइए क्लास. मे भी नहीं चलेगा. करेक्ट आंसर बताइए. ऑल राइट, गुड कृष्णा, गुड मृदुल, मे बी भी ठीक है आपका. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज द लंग्स आर कवर्ड बाय टू थिन मेम्ब्रेन्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरा बोलते हैं. क्या बोलते हैं? प्लूरा. ठीक है, समझ में आया? ओके, चलिए एक बात बताइए मुझे यहां पर, पल्मोनोलॉजी क्या है? व्हाट इज पल्मोनोलॉजी? व्हाट इज पल्मोनोलॉजी? चलेगा, जल्दी बता दीजिए पल्मोनोलॉजी क्या है. प्लूरा वर्ड से याद आया मुझे, व्हाट इज पल्मोनोलॉजी? बिल्कुल सही विशाल, आशीष, गुड. हां जी, डी ही है मृदुल. करेक्ट आंसर इज डी, प्लूरा. चलिए बताइए फटाफट से, पल्मोनोलॉजी, व्हाट डू यू मीन बाय पल्मोनोलॉजी? ऑलराइट, जहां पर भी ये वर्ड यूज हो जाए ना, पल्मोन, दैट इज रिलेटेड टू योर लंग्स. ठीक है, जैसे पढ़ा होगा आप लोगों ने, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन पढ़ा था, उसी तरीके से पल्मोनोलॉजी, ओजी मतलब टू स्टडी, स्टडी ऑफ लंग्स, स्टडी ऑफ लंग्स. सो स्टडी ऑफ लंग्स इज नोन एज पल्मोनोलॉजी. ठीक है, नो इट्स नॉट अ डिसीज. ओजी, सॉरी, ओलॉजी, जहां पर भी लगाओ, इस वर्ड का मतलब होता है टू स्टडी, टू स्टडी. एम आई क्लियर क्लास? इस वर्ड का मतलब होता है टू स्टडी. चलिएगा, ब्रीदिंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड, ब्रीदिंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड इनहेलेशन, रिडक्शन, एक्सहेलेशन और डीजनरेशन. यस, रीडिंग, सॉरी, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड इनहेलेशन, रिडक्शन, एक्सहेलेशन और डीजनरेशन. यस, ब्रीदिंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड क्लास. जिसको इंग्लिश आती होगी वो इसका आंसर दे सकता है. द करेक्ट आंसर इज एक्सहेलेशन. द करेक्ट आंसर इज एक्सहेलेशन.
ऑल राइट, नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं बच्चों। ट्रैकिया आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ, ट्रैकिया जो है वो किसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, फिश के, कॉकरोच के, अर्थवर्म के या फ्रॉग के? यस, ट्रैकिया आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ फिश, कॉकरोच, अर्थवर्म और फ्रॉग। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। ट्रैकिया आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ, ट्रैकिया जो है वो किसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, फिश का, कॉकरोच का, अर्थवर्म का? अर्थवर्म का, फ्रॉग का? बच्चे उसके बारे में आपको अपडेट कर दिया जाएगा, मैं आप लोगों की साइंस की क्लासेस लूंगी। ऑल राइट, ट्रैकिया आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ, सो क्लास ट्रैकिया आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज कॉकरोच। ठीक है, ट्रैकिया जो है वो किसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है बेटा, कॉकरोच का। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइट्रोजन नीडेड बाय द प्लांट इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ, जो नाइट्रोजन है जो प्लांट्स लेते हैं ठीक है, वो किस फॉर्म में लेते हैं, नाइट्रेट के, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड? जल्दी बताइए। नाइट्रोजन नीडेड बाय द प्लांट इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड? यस, क्वेश्चन नंबर 16। ऑल राइट, करेक्ट आंसर आते हुए अगेन, बिल्कुल सही, नाइट्रेट की फॉर्म में लेते हैं ठीक है। किसकी फॉर्म में लेते हैं क्लास? उज्जवल, गुड उज्जवल। मृदुल, वेरी गुड आंसर। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 16, द करेक्ट आंसर इज नाइट्रेट। न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसलोकेटेड इन प्लांट थ्रू, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ट्रांसलोकेट किए जाते हैं, मतलब कि ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं प्लांट के अंदर थ्रू जाइलम ट्रैकीट्स, फ्लोएम सीव ट्यूब्स, जाइलम वेसल्स और फ्लोएम कंपेनियन सेल्स। बताइए जी, किसके थ्रू होता है? बच्चे बायोलॉजी के भी 15 क्वेश्चंस आएंगे आपके, 15 क्वेश्चंस बायोलॉजी। यस आएगी, 15 क्वेश्चन आएंगे बायोलॉजी के। चलिएगा, द करेक्ट आंसर इज न्यूट्रिएंट्स जो है वो ट्रांसलोकेट किए जाते हैं प्लांट में थ्रू फ्लोएम सीव ट्यूब्स ठीक है, फ्लोएम के सीव ट्यूब से। चलिए जी नेक्स्ट, यूनिवर्सल रिसिपिएंट पोजेसेस वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स, यूनिवर्सल रिसिपिएंट्स पोजेसेस वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप। देखो यूनिवर्सल रिसीवर हो गया, ये क्या हो गया, यूनिवर्सल रिसीवर, जो सबका ग्रुप ले सक, मतलब ब्लड ले सकते हैं ठीक है। ए ब्लड ग्रुप होता है वो, बी होता है, ए बी होता है या ओ होता है? ऑलराइट, बिल्कुल करेक्ट तनु, कृष्णा, मुक्तन, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट कृष्णा।
गुड, द करेक्ट आंसर इज ए बी. ऑल राइट, द करेक्ट आंसर इज ए बी ब्लड ग्रुप. ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो क्या है, यूनिवर्सल रिसीवर होते हैं, ठीक है, जो सबका ब्लड ले सकते हैं. ठीक है, यूनिवर्सल डोनर. यूनिवर्सल डोनर ग्रुप कौन सा है? यूनिवर्सल डोनर इज ओ. ठीक है, जो सबको दे सकता है ब्लड. ठीक है, चलिएगा. सो क्वेश्चन नंबर सी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18, करेक्ट आंसर इज सी. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. यूनिवर्सल डोनर पोजेसेस वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप. जल्दी से दीजिए इसका आंसर. क्वेश्चन नंबर 19, यूनिवर्सल डोनर पोजेसेस वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप. जल्दी बता दीजिए भाई. बिल्कुल सही, डी, इट्स डी, ऑप्शन डी, दैट इज ओ ब्लड ग्रुप. वेरी गुड, वेरी गुड. आशीष काजल जो सुन रहे थे इससे पहले वाला क्वेश्चन, सबका आंसर आते हुए और करेक्ट आंसर आते हुए यहाँ पर. वेरी नाइस क्लास, क्लैप. चलिएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूं. दोबारा से मैं बता रही हूँ आप सभी को, टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहां पर इन क्वेश्चंस की पीडीएफ एंड अदर क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे. ठीक है, लिंक टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में है. डू ज्वाइन टेलीग्राम चैनल. ठीक है, वन मोर थिंग, इफ यू लाइक दिस सेशन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल. जस्ट हिट द रेड बटन. ओके, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जो भी स्टेटमेंट है आपकी वो करेक्ट नहीं है. चलिए, ट्रैकीट्स एंड वेसल्स आर नॉन लिविंग कंडक्टिंग टिश्यूज. बी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पोर्ड इन टू राइट आर्टियम ऑफ द हार्ट. सी, द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ फ्लैट वॉर्म is flame cells. D, human kidney is about 1 million nephridia. ठीक है, जो human kidney है उस वो किसकी बनी है, 1 million nephridia, मतलब कि nephrons को बोला गया यहाँ पे. चलिएगी, चलिए जी बताइए जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 20. Which statement is incorrect? Incorrect, sorry. All right. Correct answer आते हुए आशीष के यहां से. Good. Good, Krishna. Yes, बिल्कुल सही. The correct answer is D. बच्चे ट्रैकीड और वेसल्स जो होते हैं वो नॉन लिविंग ही होते हैं. ये बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये. ठीक है, दोज हु आर विद ए, उनके लिए बता रही हूँ मैं. ठीक है, तो ये नॉन लिविंग है, कंडक्टिंग टिश्यूज है लेकिन नॉन लिविंग टिश्यूज है ये. चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. द एक्सक्रीटरी यूनिट इन ह्यूमंस इज नेफ्रीडिया, नेफ्रॉन, नेफ्रोस्ट्रोमा और नेफ्रीडियोपोर. जल्दी, द एक्सक्रीटरी यूनिट इन ह्यूमन इज, ह्यूमन्स में एक्सक्रीटरी यूनिट को क्या कहते हैं हम? नेफ्रीडिया कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रोस्ट्रोमा कहते हैं या नेफ्रीडियोपोर बोलते हैं? वेरी गुड मृदुल, तन्नु, इमरान, कृष्णा कुमार, निशा द्वेदी. वेरी नाइस क्लास, वेरी नाइस, बिल्कुल करेक्ट आंसर आते हुए यहाँ पर. मुक्तन विश, नोट विशाल.
यस विशाल, ऑल राइट, द करेक्ट आंसर इज नेफ्रॉन. ठीक है, द एक्सक्रीटरी यूनिट इन ह्यूमन इज नेफ्रॉन्स. और नेफ्रॉन्स कहाँ पर पाए जाते हैं? नेफ्रॉन्स आर फाउंड इन आर किडनी. ठीक है, कहाँ पर पाए जाते हैं बच्चों? किडनी में पाए जाते हैं नेफ्रॉन्स. रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन रेड ब्लड कॉर्पुस्कल्स इज हेमोग्लोबिन, कैरोटीन, ज़ेंथोफिल या एंथोसियानिन. जल्दी बताइए जी. रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन रेड ब्लड कॉर्पुस्कल्स, आरबीसी, आरबीसी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, रेड ब्लड कॉर्पुस्कल्स, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पुस्कल्स, जल्दी बताइए. द रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कॉर्पुस्कल्स इज हेमोग्लोबिन, कैरोटीन, ज़ेंथोफिल या एंथोसियानिन. ऑलराइट, वेरी गुड क्लास, द करेक्ट आंसर इज हेमोग्लोबिन. हेमोग्लोबिन में हेमी मीन्स आयरन एंड ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन्स. ठीक है, समझ में आया? हेमोग्लोबिन, हेमी मीन्स आयरन एंड ग्लोबिन मीन्स, यस, प्लाज्मा कलरलेस होता है, प्लाज्मा कलरलेस होता है. द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड, जो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स, लिम्फ, प्लाज्मा और स्ट्रोमा. चलिए जी बताइए, ब्लड के जो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का उसको क्या बोलते हैं हम? यस, द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द, यस बिल्कुल करेक्ट, द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द आरबीसीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. ठीक है, इन द ब्लड. यस प्लीज टेल, द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड, जो लिक्विड पार्ट है ब्लड का उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मैट्रिक्स बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं. कृष्णा, आशीष, बिल्कुल करेक्ट आंसर. यस निशा, बिल्कुल सही. इमरान, द करेक्ट आंसर इज प्लाज्मा, द करेक्ट आंसर इज प्लाज्मा. द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा, जो लिक्विड पार्ट है ब्लड का उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं बच्चे. चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन. द ब्लड सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोटिंग ऑफ ब्लड आर, वो ब्लड सेल्स जो कि ब्लड क्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनको क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट, ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है, डब्ल्यू बी सीज, ठीक है, और आरबीसीज, यानी कि रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स, या व्हाइट ब्लड कॉर्पुस्कल्स और रेड ब्लड कॉर्पुस्कल, व्हाट एवर यू वांट टू से. चलेगा, यस क्लास, द ब्लड सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर, वो ब्लड सेल्स जो कि ब्लड की क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्या बोलते हैं उनको? WBC, RBC, ब्लड प्लेटलेट्स और एरिथ्रोसाइट्स. ऑलराइट, द करेक्ट आंसर इज ब्लड प्लेटलेट्स. ठीक है, मेरी बात सुनिएगा बहुत ध्यान से. जो ये ब्लड क्लॉटिंग है, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी बात कर रहे हैं हम, बॉडी के अंदर बात नहीं कर रहे. उसके लिए जो जो चीजें लगती हैं वो है विटामिन के, उसके अलावा आपकी ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है, और ब्लड प्लेटलेट के साथ साथ एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है फाइब्रिनोजन प्रोटीन. कौन सा प्रोटीन? फाइब्रिनोजन प्रोटीन. क्वेश्चन आ जाएगा, द विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग. सो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है उसका नाम क्या है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन है बच्चे. ठीक है, सो तीन चीजें मिलकर ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है. एक तो है आपका विटामिन के,
ब्लड प्लेटलेट्स और फाइब्रिनोजन प्रोटीन. एम आई क्लियर क्लास? ठीक है, द करेक्ट आंसर इज बी, ऑप्शन बी. ओके, जस्ट टेल मी विच प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ओके, विच प्रोटीन प्रोहिबिट्स, प्रोहिबिट्स मतलब कि रोकता है ब्लड क्लॉटिंग इनसाइड द बॉडी. कौन सा प्रोटीन जो है वो रोकता है किस चीज को, ब्लड क्लॉटिंग को आपकी बॉडी के अंदर? जल्दी बताइए बच्चे. ऑल राइट, आई थिंक किसी को नहीं मालूम है. विच प्रोटीन प्रोहिबिट्स, विच प्रोटीन प्रोहिबिट्स ब्लड क्लॉटिंग इनसाइड द बॉडी? बॉडी के अंदर अगर ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी ना तो क्या होता है, पैरालिसिस हो जाता है. ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज हिपेरिन प्रोटीन. कौन सा प्रोटीन है बच्चे? हिपेरिन प्रोटीन. हिपेरिन प्रोटीन. चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रोसीजर यूज्ड इन आर्टिफिशियल किडनी इन प्लेस ऑफ नॉर्मल इज कॉल्ड पेसमेकर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ऑस्मोरेगुलेशन और डायलिसिस. आर्टिफिशियल, जब द प्रोसेस ऑफ यूज इन आर्टिफिशियल किडनी इन प्लेस ऑफ नॉर्मल इज कॉल्ड, नॉर्मल किडनी की जगह आर्टिफिशियल किडनी जिस प्रोसेस में यूज होती है उस प्रोसेस का नाम क्या है? पेसमेकर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ऑस्मोरेगुलेशन और डायलिसिस. यस क्लास, इट्स नॉट निपेरिन, इट्स हिपेरिन. बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर आते हुए यहाँ पर डायलिसिस. द करेक्ट आंसर इज डायलिसिस. ठीक है, और ये सब कुछ कहाँ पर दिया हुआ है? आपकी एनसीईआरटी के डू यू नो कॉलम में, डू यू नो कॉलम में दिया हुआ है ये सब कुछ. ठीक है, तो कटा हुआ पोर्शन और डू यू नो कॉलम, कटा हुआ पोर्शन इन द सेंस कि जो इस बार एग्जाम्स में नहीं आया उसको बोल रहे हो आप लोग. ह्यूमन हार्ट इज, ह्यूमन हार्ट कैसा है? थ्री चैम्बर्ड है, फोर चैम्बर्ड है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है या ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन है? फास्ट, ह्यूमन हार्ट इज थ्री चैम्बर्ड, फोर चैम्बर्ड, एक्सक्रीटरी ऑर्गन और ऑस्मो रेगुलेशन ऑर्गन. यस, ऑलराइट, बिल्कुल सही. करेक्ट आंसर आते हुए द करेक्ट आंसर इज, इट इज फोर चैम्बर. ठीक है, ह्यूमन हार्ट इज फोर चैम्बर. ह्यूमन हार्ट के अंदर कितने चैम्बर हैं? तो चार चैम्बर हैं बच्चे. ठीक है, अ पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप ओ कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम अ पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिएगा जल्दी बताइएगा. अ पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप ओ कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम अ पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ. ऑल राइट क्लास, बिल्कुल सही. करेक्ट आंसर इज, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. वेरी गुड, वेरी नाइस क्लास. ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है, ओ वाला सिर्फ ओ से ही ब्लड ले सकता है. ठीक है, क्योंकि ये क्या है, यूनिवर्सल डोनर है, सबको दे सकते हैं लेकिन सबसे ब्लड ले नहीं सकते. ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन. ब्लड फ्रॉम सुपीरियर वेना कावा फ्लोज इनटू, सुपीरियर वेना कावा से जो ब्लड आता है वो किसके अंदर फ्लो करता है? राइट आट्रियम, राइट वेंट्रिकल,
लेफ्ट आट्रियम या लेफ्ट वेंट्रिकल? जल्दी, ब्लड फ्रॉम सुपीरियर वेना कावा फ्लोज इनटू राइट आट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल? तो बच्चे सुपीरियर वेना कावा कौन सी होती है, जो आपकी बॉडी के अपर पार्ट से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, ठीक है। इंफीरियर वेना कावा जो आपके लोअर बॉडी पार्ट से आपके इम्प्योर ब्लड को लेकर आती है हार्ट तक, ठीक है। तो सुपीरियर वेना कावा जो है, जो ब्लड लेकर आती है, ठीक है, वो कहाँ तक लेके आती है बच्चे? कहाँ पर लेके आती है? राइट आट्रियम में लेके आती है। कहाँ लेके आती है बच्चे? राइट आट्रियम में। सबसे पहले ब्लड जो है वो राइट आट्रियम में जाता है, फिर पंप होता है, फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है, ठीक है। आफ्टर दैट वो ब्लड जो है फिर आपका कहाँ तक? लंग्स तक जाता है, और फिर लंग्स से क्या होता है, इसका नाम क्या, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है। फिर अगेन वो ब्लड जो है वो लेफ्ट आट्रियम में आता है और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, वो अगेन पंप होके, एंड देन आपका एओर्टा, कौन सी एओर्टा जो होती है, वो आपकी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है, वो आपके अदर बॉडी पार्ट्स को आपका प्योर ब्लड जो है वो क्या कर देती है बच्चे, सर्कुलेट कर देती है या फिर ट्रांसपोर्ट कर देती है। क्लियर? चलिए, एज ब्लड फ्लोज आउट ऑफ द डैमेज्ड ब्लड वेसल, ब्लड प्लेटलेट्स रिलीज अ सब्सटेंस कॉल्ड, जैसे ही ब्लड जो है वो क्या करता है, फ्लो करता है आउट ऑफ डैमेज वेसल्स से, द ब्लड प्लेटलेट जो है वो तभी क्या होती है, तभी रिलीज करती है एक सब्सटेंस, और उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन और फाइब्रिन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यस, बताइए जी क्वेश्चन नंबर 29। एज ब्लड फ्लोज आउट ऑफ द डैमेज ब्लड वेसल्स, ब्लड प्लेटलेट्स रिलीज अ सब्सटेंस कॉल्ड, ऑलराइट क्लास, सो द करेक्ट आंसर इज थ्रोम्बोप्लास्टिन। तभी क्या होता है, आपकी बॉडी की जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं वो क्या करती हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का एक सब्सटेंस रिलीज करती हैं, ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का एक सब्सटेंस रिलीज करती हैं वो, ठीक है, जिससे क्या करते हैं, उस ब्लड फ्लो को रोका जाता है, ठीक है, करेक्ट है। यस, द करेक्ट आंसर इज थ्रोम्बोप्लास्टिन। गुड निशा, कृष्णा कुमार, वेरी गुड, काजल, वेरी गुड। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, थ्रोम्बोप्लास्टिन। चलिए जी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, ठीक है, बाकी के क्वेश्चन हम कल करेंगे। अगेन 8 से 9 क्लास होगी कल भी आप लोगों की, ठीक है, 8 PM to 9 PM। चलिए पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अ कप शेप्ड अपर एंड ऑफ द नेफ्रॉन इज कॉल्ड, जो कप शेप का अपर एंड होता है, किसका, नेफ्रॉन का, उसको क्या कहते हैं, बॉमन्स कैप्सूल, ग्लोमरुलस, नेफ्रोस्ट्रोम और नेफ्रीडियोपोर। चलिए जल्दी बताइए। ऑल राइट, गुड उज्जवल, विशा, उज्जवल, ओनली उज्जवल राइट नाउ, मृदुल, लोकेश, कृष्णा, यस, दोज हु आर विद ए बॉमन्स कैप्सूल, All of them are correct, ठीक है, so the correct answer is Bowman's capsule, ठीक है, a cup shaped upper end of the nephron is called Bowman's capsule। चलिए जल्दी से अपने अपने स्कोर बताइए आज की क्लास के, आउट ऑफ 30, ठीक है। Meanwhile मैं आप सभी को बता दूं बच्चे, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड मोर ओवर अगर आप लोग हमारा फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास एक कॉन्टैक्ट नंबर है, आप वहां पर कॉन्टैक्ट करके आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वेरी गुड उज्ज्वल, 22,
और बाकी सब बताइए प्लीज, जल्दी जल्दी अपना स्कोर बताइए। ओ गुड, 29, 28 आशीष, गुड गुड गुड, 21 कृष्णा, 24 सॉरी नॉट 21, गुड क्लास, थैंक यू फॉर फॉर टुडे। कल दोबारा से 8 से 9 मिलेंगे, ठीक है? तब भी हम अपने क्वेश्चंस जो है वो कवर अप करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू।